सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि। दोस्तों और भाइयों से तो सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन कुछ नए लोगों से भी आपको फायदा आज हो सकता है। कुछ ऐसा होगा जो आपने काफी समय से सोच रखा है। कोई पुराना दोस्त आपकी मदद करने काफी दूर से आ सकता है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। दिन काफी अच्छा जाने वाला है। आप जो चाहते हैं वह काम थोड़ी सी कोशिश में ही पूरा हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस और उम्मीद भी काफी बढ़ी हुई है। मन की बात किसी को बताने का कोई मौका भी आज ना छोड़ें। दिन भी खुशी से ही बीतेगा। नेगेटिव चीजों की बात करें तो कुछ लोग आपके इरादों को गलत समझ सकते हैं या फिर आपका फायदा उठा सकते हैं। ध्यान रखें कि पैसों को लेकर किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें तो ही अच्छा है। आज आप कोई बड़ी खरीदारी करने का भी मन बना सकते हैं। फालतू खर्चों से बचें। क्या करें, हल्दी वाले आटे की पूड़ी बनाकर गाय को खिलाइए। पेट संबंधी परेशानी आज हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। लोगों की निगाहें आप पर रहेंगी। कोई राज या खास बात आपको आज पता चल सकती है। आज आपका परफॉर्मेंस देखकर आपके विरोधी आपसे जलना शुरू कर सकते हैं। दिन में कोई काम सोचे हुए तरीके से हो सकता है और उसमें फायदा भी हो सकता है। गोचर कुंडली में 11वें भाव में चंद्रमा होने से आपके लिए काफी फायदेमंद है। इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, ओहदे में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपके कामों में सटीकता रहेगी। अधिकारियों से सम्मान मिल सकता है। किसी कठिन काम में सहायता मिलने से आपको राहत मिलेगी। अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे। निगेटिव चीजों की बात करें तो परिवार की जरूरतों को लेकर सावधान रहिए। मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रखें तो ही अच्छा है। आज अपना कोई महत्वपूर्ण काम पूरा कर सकते हैं। अपने ही फैसले पर संदेह हो तो उस काम को ना करें। क्या करें, गमले की मिट्टी में कुमकुम डालें। हेल्थ की बात करें तो सेहत सामान्य रहेगा, लेकिन पैर में तकलीफ हो सकती है। मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। सितारों के प्रभाव से आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी तारीफ हो। किसी भी नए ऑफर के लिए आप आज तैयार रहिए। पहले ठीक से विचार कर लें, जरूरी समझे तो सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ें। कोई अच्छी खबर आज मिल सकती है। सामाजिक कामों में ओहदा बढ़ सकता है और सफलता भी मिल सकती है। कोई प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है। रुका हुआ पैसा आज मिल सकता है। सरकारी काम करने वालों से कॉन्टैक्ट हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव चीजों की बात करें तो आपका मन थोड़ा अस्थिर हो सकता है। किसी भी ऑफर के लिए आज तुरंत फैसला लेने से बचें या सोच समझ कर लें। बार बार आपके मन में विरोधाभास हो तो उस काम को ना करें। नियमित और आपको दिए गए काम को मन लगाकर ही पूरा करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। क्या करें, मंदिर में बताशे चढ़ाइए। हेल्थ की बात करें तो पेट में कोई छोटी परेशानी जैसे इन्फेक्शन का डर आज आपको रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। आपको किए गए कामों में फायदा होगा। गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। किसी दोस्त के अजीब व्यवहार का रहस्य आपके सामने आ जा सकता है। कुछ लोग अपनी परेशानियों के लिए आपसे राय ले सकते हैं। पैसों की स्थिति में सुधार का मौका मिल सकता है। आप किसी को खुश करने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। नेगेटिव चीजों की बात करें तो आज आप किसी तरह का कोई जोखिम ना लें तो ही अच्छा है। ज्यादा गुस्सा करेंगे तो नुकसान हो सकता है। परिवार या करीबी लोगों में किसी की संतान के साथ कोई समस्या हो सकती है। किसी की तरक्की से आप जल सकते हैं। किसी भी तरह के विवाद से बचें। क्या करें, कलाई पर हरा धागा बांधें। हेल्थ की बात करें तो पुराने रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। किसी भी सामाजिक या कार्य क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने का योग बन रहा है। शारीरिक स्थिति कमजोर रहने के बावजूद सामाजिक कार्यक्रम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नए अनुभव भी मिल सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कोई आपका नया कॉन्ट्रैक्ट नए लोगों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप वही करें जो आपका मन कहे। संतान से सुख मिल सकता है। नेगेटिव चीजों की बात करें तो अपने फायदे की बात
कहने और किसी को समझाने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि अगर किसी को आपका आइडिया के बारे में पता चला तो वो उस आइडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा संयम रखिए, आज की कुछ घटनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। कोई ऐसा काम करने से बचना चाहिए जिसमें पैसे का रिस्क ज़्यादा हो। क्या करें, पानी में 2 बूंद गुलाब जल डालकर नहाएं। हेल्थ की बात करें तो खान पान में सावधानी बरतिए, वरना पेट खराब हो सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। कोई अच्छी खबर आपको आज मिल सकती है। किसी काम के लिए आप नए सिरे से कोशिश कर सकते हैं, जो कि जरूरी भी है। जो चीज दूर नजर आ रही हो वो जल्दी ही आपके हाथ आ सकती है। खुद के लिए थोड़ा समय निकाल सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप आज जो काम करेंगे लोग उसकी तारीफ कर सकते हैं। नेगेटिव चीजों की बात करें, पैसों के मामले थोड़े उलझ सकते हैं, या इन मामलों को ज्यादा ना उलझाएं तो ही आपके लिए अच्छा है। आज आप अपनी तरफ से जितना हो सके उतना धैर्य रखिए, स्थिति के अनुसार व्यवहार कीजिए, काम काज में सावधानी बरतिए। क्या करें, माता जी के मंदिर में लाल चूड़ियां चढ़ाइए। हेल्थ की बात करें तो ज्यादा तनाव ना लें, नहीं तो सर में दर्द और कमर में दर्द बढ़ सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। निवेश का कोई बहुत ही अच्छा मौका आज मिल सकता है। किसी भी बड़े बदलाव के लिए आप अपना मन बना के रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। सामाजिक मामलों में आज आप काफी सक्रिय रहने वाले हैं। बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी से सलाह लेना जरूरी है। आज आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे आपकी तारीफ होगी। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन रही है। सरकारी काम करने वालों से अच्छे संबंध आज बनेंगे। नेगेटिव चीजों की बात करें तो आज जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह से काम नहीं हो तो आप परेशान हो सकते हैं, या किसी बात को लेकर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। आपके कुछ काम रुक भी सकते हैं। क्या करें, गाय को अंकुरित मूंग खिलाइए। हेल्थ की बात करें तो आंखों में छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन, तो अपने आंखों का ख्याल रखिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। कोई पुराना काम निपट सकता है। आपकी योजनाओं में बड़ा बदलाव भी हो सकता है। आज आप किसी संबंध में समझौता भी कर सकते हैं। जो भी मामले सामान्य हो या चिंताएं आपके सामने आए उसको काफी ध्यानपूर्वक सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। करियर में महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि कुछ महत्वपूर्ण लोगों का ध्यान आपके काम की ओर ज्यादा है। अपने आप को आज साबित कर पाएंगे। योजना बनाने का दिन आज काफी अच्छा है। नेगेटिव चीजों की बात करें तो आपके मन में कुछ उथल पुथल हो सकता है। कोई नया काम ना करें तो ही अच्छा है। नया काम में रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। क्या करें, पानी में सफेद फूल डालकर नहाएं। हेल्थ की बात करें तो ज्यादा थकान आज महसूस करेंगे, या कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं धनुराशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। जो काम आपने सोच रखे हैं, जो कर रहे हैं उसको सही दिशा से आज करेंगे। काम पर ध्यान लगाने के लिए थोड़ा ज्यादा कोशिश करेंगे और उसमें सक्सेस भी होंगे। रोमांस के कुछ नए मौके आज मिल सकते हैं। आपका ध्यान निजी जीवन पर ज्यादा रह सकता है। समय पहले से थोड़ा ठीक है। प्रेमी से मिल सकें तो आपके लिए ही अच्छा है। नेगेटिव चीजों की बात करें तो सावधानी बरतनी जरूरी है। कोई भी फैसला जल्दबाजी से ना लें तो ही अच्छा है। प्लान के मुताबिक अगर काम नहीं होगा तो मूड थोड़ा सा आपका खराब रह सकता है। आपके साथ कभी कभार अजीब सी स्थिति भी बन सकती है। मन में कभी कभी अशांति रहेगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है। क्या करें, किशमिश का पानी पिए। हेल्थ की बात करें तो मौसमी बीमारी से परेशान रहेंगे या स्किन इन्फेक्शन से परेशान हो सकते हैं। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से हो सकती है। आप कला क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज का दिन काफी सफलतापूर्वक बीतेगा। कोई नया काम या नई कोशिश आज कर सकते हैं। कुछ रोचक बातें आपके सामने आ सकती हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने का दिन है। घर में उत्सव का माहौल रहेगा। दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आप हर तरफ से विवाद निपटाने में सफल रहेंगे। नेगेटिव चीजों की बात करें तो किसी भी काम को पूरा होने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। आप जो काम कर रहे हैं उसका मनचाहा परिणाम नहीं मिलने से चिड़चिड़ापन आ सकता है। घर परिवार की जिम्मेदारियां आज थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। पैसे भी खर्च हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी भी तरह के रिस्क से बचें। क्या करें, किसी भी मंदिर में घी का दीपक लगाएं।
हेल्थ की बात करें तो मानसिक थकान और नींद की कमी से आज परेशान रह सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज आप हर तरह की स्थिति में खुद को संभाल लेंगे, पुराने किसी समस्या पर नए नजरिए से सोचकर उसका समाधान निकालेंगे। परिवार के किसी सदस्य के जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने के योग दिख रहे हैं। हर तरह की बातचीत में थोड़ा उदार और विनम्र रहेंगे। मन की भावनाएं जताने में संकोच ना करें। परिवार के साथ समय बिताएंगे, संतान का सहयोग मिलेगा। नेगेटिव चीजों की बात करें तो कोई काम अधूरा होने के कारण आपका मन थोड़ा खराब हो सकता है। लव लाइफ में लापरवाही के कारण रिश्ते बिगड़ सकते हैं। काफी भाग दौड़ आज हो सकती है, क्या करें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को लगाएं। हेल्थ की बात करें तो सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ठीक नहीं है। कफ और पित्त के रोग आज परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। पैसे कमाने की होड़ में आगे आने के लिए आज तैयार रहेंगे। मन प्रसन्न रहेगा और पूरा जोश से भरा रहेगा। आपको कहीं से अचानक मदद भी मिल सकती है। पैसे कमाने के कुछ नए मौके भी आपके सामने आ सकते हैं। कागजी काम आज आप जल्दी निपटा लेंगे। दिमाग काफी तेज चलेगा। लगभग हर समस्या का समाधान आज आप कर सकते हैं। कामकाज में ज्यादा व्यस्तता रहेगी। जमीन जायदाद का काम करने वाले लोगों को आज काफी फायदा मिल सकता है। कोर्ट कचहरी में भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। नेगेटिव चीजों की बात करें तो सावधान रहिए, किसी करीबी इंसान से अनबन हो सकती है। आपके मन की बात कहने में संकोच कर सकते हैं। अनैतिक और अवैध काम करने वालों से दूर ही रहें तो अच्छा है। क्या करें, दही बड़े खाएं या किसी गरीब को खिलाएं। हेल्थ की बात करें तो तबीयत अचानक खराब हो सकती है। मौसमी बीमारी आज आपको परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।